दोस्तों आप सभी का वेलकम हमारे टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए आपके पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन है या ओप्पो का या वीवो का, तो दोस्तों आजकल मोबाइल में एक ऐसी सेटिंग आ रही है जिससे अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो आप दोस्तों जो है सेटिंग के जरिए किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं और एक एक वीडियो फोटोज़ जो हैं आप अपनी गैलरी में लॉक लगा के रख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों अभी जो है ये सेटिंग हर एक मोबाइल फ़ोन में मौजूद है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे उसके बाद में आप अपने मोबाइल में ढूंढेंगे तो आपके भी मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग मिल जाएगी। उसके जरिए अगर आपका भी कोई भी पर्सनल डेटा है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ कोई भी है, तो आप उसे अपनी गैलरी के अंदर ही जहाँ पे आपके बाकी के फ़ोटो हैं वहीं पे सेव करके रखेंगे और उसमें एक पासवर्ड लगाएंगे, जैसे कि आप चाहें जब आप चाहेंगे तभी उसको ओपन करके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना, वीडियो आपको लास्ट तक देखते रहना है और उसमें कुछ स्टेप हम फॉलो करेंगे, आपको उसको देखते रहना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना गैलरी। ये हमारी गैलरी, हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये सारे फ़ोटोज़ हैं, ये एल्बम देख सकते हैं आपको, लेकिन आपको यहाँ लॉक लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जब आप जैसे मैं नीचे को खींच रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ऐसे मैं नीचे को खींच रहा हूँ तो देखिए लॉक बनकर तो आ रहा है लेकिन उस लॉक को आप लगा नहीं सकते। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने खींचा तो लॉक बनकर आ रहा है लेकिन आप इसे लगा नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेटिंग करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी जितनी वीडियोस और फोटोज़ हैं आप इन्हें एक एक करके या एक साथ में पूरा का पूरा लॉक लगा लेंगे और जब भी कुछ इस तरीके से आप इस नीचे को खींचेंगे तो आपका जो है आपसे पासवर्ड मांगेगा और जैसे आप पासवर्ड डालेंगे आपके फ़ोटोज़ ओपन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपको करके बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नीचे की तरफ खींचना है गैलरी को ओपन करने के बाद में, और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए आप बता रहा है साइनिंग विथ EMI अकाउंट, यानी आप एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ये तो आपको वैसे भी बनाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत आपको कभी ना कभी पड़ सकती है दोस्तों। तो चलिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं, इसमें बहुत ही आसान है अकाउंट बनाना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे देना है, बार नेक्स्ट करेंगे। चलिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देते हैं। सबसे पहले आपको कंट्री चूज करना है, जिस कंट्री से आप हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कंट्री का मोबाइल नंबर डाल देना। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको कोड यहाँ पे डाल देना है, कोड अपने आप ही डल गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज कर लेना है। चलिए हम एक पासवर्ड चूज कर लेते हैं। चलिए हम कुछ नाम लिख के उसके बाद कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। दोस्तों देखिए हमने अपना अकाउंट बना लिया है। पासवर्ड में आपको क्या करना है, पासवर्ड में जब आप डालेंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या करना है, नंबर नहीं डालना, आगे कुछ नाम लिख लेना है, जैसे हिंदी लिख लेना, इंडिया लिख लेना है, कुछ भी लिख लेना, अपना नाम डाल देना है। उसके बाद में जो है कुछ नंबर टाइप करना है तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद में यहाँ पे बता रहा है आपको अपना पैटर्न सेट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, अपना पैटर्न यहाँ से सेट कर लेना है। चलिए हम अपना एक पैटर्न सेट कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर से आपको कन्फर्म करना है पैटर्न को, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपको दोस्तों देख सकते हैं ऐड करना कुछ तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नोट नाउ कर देना है। आपका जो है अकाउंट बनके सक्सेसफुल हो गया, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें इसमें, इन फोटोओं को हम इसमें आपको लॉक करके दिखाएंगे। अब मान लीजिए आप जैसे इसको नीचे को करेंगे तो इसमें देख सकते हैं, फिर से बता रहा ऐड का ऑप्शन, आपको ऐड कर देना है। अब देख सकते हैं अभी ये ऐड का ऑप्शन नहीं मांगेगा। अब आपको इसमें से जो भी फ़ोटो लॉक करना है वो फ़ोटो ले लीजिए। मान लीजिए हम इसमें से कुछ फ़ोटो ले लेते हैं, ये वाला हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करना है, इसको 3 डॉट पे जाना है और एक एल्बम यहाँ से क्रिएट कर लेना है, एक न्यू एल्बम कर लेना है। आप देख सकते हैं हिडन एल्बम लिखा, आप चाहें तो इस पर हिडन एल्बम पर करके इसको उसमें डाल सकते हैं लॉक में। अगर आप चाहते हैं तो एक न्यू एल्बम यहाँ से अपना नाम या कोई चीज़ चूज करके यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद में जितने भी फ़ोटो आपके हैं उस एल्बम में डाल दीजिए, और आप चाहते हैं तो इसमें सीधा हमने जो फ़ोटो सेलेक्ट किया उसके बाद में जो हिडन एल्बम लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ये जो फोटोज़ है हमारा दोस्तों वो शेयर हो गया। जैसे हम गैलरी को नीचे को खींचेंगे ये पैटर्न लग के आ रहा है। अभी पैटर्न को क्या करना है, आपको वही कोड डालना है। आप ये देख सकते हैं वो फ़ोटो यहाँ पे लॉक लगकर आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फ़ोटो जो है लॉक में है। ऐसे करके आप यहाँ जो भी वीडियोस है, मान लीजिए ये वीडियोस है यहाँ से, चलिए ये वीडियो हम ले लेते हैं। अब इस वीडियो को हमें जो है उसी में लॉक में डालना है, तो हमें क्या करना है, फिर से जो है 3 डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू एल्बम आ रहा है। अगर आप चाहें तो ऐड टू एल्बम पर क्लिक कर दें, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हिडन एल्बम आ गया, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके करेंगे जैसे ही आपका जो है ये वीडियो जो है वो लॉक इसमें लग गई है। अब जब इसको आप जो है नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर से वही कोड डालेंगे
तो आपको वो वीडियो यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं दोस्तों। वो सारे वीडियोस और फोटोज़ को लॉक लगा लेना है जो आपके पर्सनल हैं दोस्तों। अब इसमें जितने भी फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप उन्हें ओपन करिए, सीधा ओपन करिए आप उसको। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड के ऑप्शन पे जाइए, नहीं जाना तो आपको थ्री डॉट लिखा है इस पे जाना है, और ऐड टू एल्बम पे आपको करना है क्लिक, और सीधा ऐड एल्बम पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ये देखिए आप, दो मिनट में हमारा जो है फ़ोटो ये लॉक हो गया है। जब भी आप नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, फिर से कोड डालेंगे, वो फ़ोटो आपका यहाँ पे मौजूद होगा दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं जो भी इसमें से फोटो से वीडियो को आपको रिटर्न वापस करना, तो आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नीचे लिखा हुआ आ रहा है, अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है इसमें। अब अनहाइड जैसे ही करेंगे तो आप किस में वापस लेना चाहते हैं, कैमरे में लेना चाहते हैं, ओके कर दीजिए, ये आपका जो है फ़ोटो बैक चला गया दोस्तों। ये फ़ोटो जो है वो आपका बैक चला गया, देख सकते हैं यहाँ कैमरे में फिर से फोटोज़ आपका आ जाएगा। बस कुछ इस तरीके से ही आप अपने फ़ोटोज़ को लॉक लगा सकते हैं। अब आप जो एप्लीकेशन जो जैसे मान लीजिए हमारे पास व्हाट्सअप है और फेसबुक है, या मान लीजिए हमारे पास कोई भी अकाउंट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है, तो हम उसे कैसे लॉक करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। चलिए हम सेटिंग में चले जाते हैं। उसके बाद में आपको जाना है ऐप में। ऐप्स में जाने के बाद में ऐप लॉक का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, टर्न ऑन करना है। आप देख सकते हैं आपको ये वहीं पे वो जो कोड हमने डाला था वही कोड आपको यहाँ फिर से डालना है और नेक्स्ट कर देना है, ऐड पे कर देना है क्लिक। ये देखिए अब ये जो सारे एप्लीकेशन है ये ओपन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे हम यहाँ पे भी जाके कर सकते थे, ऐसा नहीं है। जब तक जो आपको MI अकाउंट जो होता है वो जब तक क्रिएट आप नहीं करेंगे, आपको ये लॉक का ऑप्शन नहीं आने वाला है दोस्तों। जब आप ये MI अकाउंट जो है क्रिएट कर लेंगे तभी आपका ये ऑप्शन आने वाला है। अब जैसे आपको व्हाट्सअप करना है लॉक, आप करेंगे व्हाट्सअप पे क्लिक। अब हमने गैलरी तो पहले गैलरी आपको क्या ज़रूरत है करने की, क्योंकि गैलरी में जो है हमने फोटोज और वीडियो सारे पहले से हाइड कर रखे हैं, छुपा रखे हैं। अगर आप गैलरी लॉक कर लेते हैं तो आप जब भी कोई आपका दोस्त मांगेगा तो आप उसको पूछेगा आपसे कि भाई इसका कोड बताओ, तो आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी को दोस्त को देते भी हैं और गैलरी लॉक नहीं, वो ढूंढेगा आपको, उसको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आप इसमें से जो भी आपके एप्लीकेशन हैं और उन्हें करना चाहते हैं ऐसे ही, उस पर जो है लॉक लगाना चाहते हैं, तो जैसे हमने व्हाट्सएप पर, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। और हमने व्हाट्सएप लॉक कर दिया है, हम चले जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद में जब हम व्हाट्सएप ओपन करेंगे, ये रहा व्हाट्सएप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कोड लग के आ गया है। इससे पहले ही वो कोड नहीं था दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे वो कोड लग के आ गया है। अभी व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट का भी लॉक आता है, अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट का भी लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे देख के भी जान सकते हैं, और आपको मालूम है तो आप लगा लेना है। फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिंगरप्रिंट नहीं लगाते क्योंकि कभी कभी काम नहीं करता फिंगरप्रिंट। तो वो जैसे ही हम यहाँ से कोड डालेंगे दोस्तों, हमारा व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। बस कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको अपने जो है लॉक सारे एप्लीकेशन पे और सारे फोटोज़ वीडियो पे जिस पे आप चाहते हैं उन पे आपको लगा लेना है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।